हुआ यो बीबीएल 2023-24 का सेकेंड मैच है, जो कि सिडनी सिक्सर वर्सेस मेलबोर्न रेनेगेड्स के बीच मैच खेला जाएगा। पिछला सीजन अगर हम 2022-23 का बीबीएल की बात करें, सिडनी सिक्सर ने 14 में से 10 मैच जीता था, वही मेलबोर्न रेनेगेड्स 7 मैच जीती थी। वही एक तरफ सिडनी सिक्सर दूसरे पोजीशन पे और वही मेलबोर्न रेनेगेड्स तीसरे पोजीशन पे थी, तो काफी अच्छा रहा था बीबीएल। हालांकि कप पर्थ ने उठाया था वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे दोनों टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इस सीजन भी आपको अच्छा परफॉर्म करने वाली है, बहुत कुछ जानने को इस वीडियो में मिलेगा, क्या होने वाला है, कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी टीम अच्छा करने वाली है। तो सेकंड मैच के प्रिडिक्शन के बारे में जानेंगे, जो कि मैच खेला जाएगा 8 दिसंबर को 1:45 PM सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में, हॉटस्टार पर स्ट्रीम करके लाते हैं। विक्रम बजेटिया नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दिया गया, आप जरूर ज्वाइन कीजिए वहां पे अपडेट मैच अपडेट के लिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, कुछ भी डाउट हो पूछना हो ये 9319409522 पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा अपना और फर्स्ट कमेंट में, दोनों जगह चेकआउट कीजिएगा। विक्रम बजरिया टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। बात करेंगे दोस्तों हेड टू हेड, अगर रिकॉर्ड देखें तो 17 मैच दोनों टीम ने खेल रखा है, 12 सिक्सर ने जीता है, 5 मेलबोर्न रेनेगेड्स ने जीता है, 1 नो रिजल्ट रहा है। सिडनी सिक्सर हमेशा डोमिनेट करते हैं, पिछला सीजन भी 3 मैच खेली थी दोनों टीमों ने और 3 में से तीनों मैच यहां पे सिक्सर ने ही जीता था। इस वेन्यू पे हेड टू हेड 6 मैच खेली है, 6 मैच हो चुके हैं, 4 सिक्सर और 2 मेलबोर्न। हालांकि सिक्सर का होम पिच है जहां पे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे मैच हो रहा है, वही रिसेंट फॉर्म देख रहे हो, सिडनी सिक्सर 2 मैच नॉकआउट एलिमिनेटर ये हारने के बाद एलिमिनेट हो गई थी। मेलबोर्न रेनेगेड्स यहाँ पे नॉकआउट मैच में एक ही मैच में क्वालिफायर मैच के नॉकआउट मैच में आउट हो गई थी। रिसेंट मैच अगर रिसेंट मैच देखोगे तो यहाँ पे काफी मतलब लो स्कोरिंग मैच यहाँ पे होता है सिडनी सिक्सर में, और जैसा कि आप देखते हो पिच रिपोर्ट, अगर पिच रिपोर्ट की बात करें यहाँ पे जो कि सिडनी का ग्राउंड है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पे 55 मैच खेले जा चुके हैं, 26 फर्स्ट पेट 28 सेकंड पेट एक टाइटा 157 का एवरेज स्कोर रहा है। बात करेंगे सिक्सर ने 213 बनाया, मेलबोर्न रेनेगेड्स मेलबोर्न स्टार यहाँ पे लोएस्ट है 61 पे 10। स्कोरिंग पैटर्न 22 मैच में से आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो 150 बिलो स्कोर वाले मैच यहाँ पे 22 मैच में सबसे ज्यादा लगे हैं, तो काफी स्लो विकेट पिच है, ध्यान रखिएगा। एवरेज यहाँ पे स्कोर 150 से 170 के बीच रहता है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, और ऐसा नहीं कि चेस भी नहीं होता ये सब स्कोर। दूसरी बात, यहाँ पे इस पिच पे जो भी फर्स्ट बैट को एडवांटेज मिलेगा, अगर स्कोर 150 प्लस मिल जाता है तो मैच जीते चाहे ना, मैच में इतना श्योर है कि कलरफुल यानी कि वो टीम यहाँ पे आपको बुक सेट करा के जाएगी, इस बात को फायदा उठा सकते हो 150 प्लस स्कोर पे, रेट 150 प्लस ऐसे ही आपको फेवर करेगा तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। टीम न्यूज शीर्षक से स्टीवन स्मिथ बैक है, मोइसेस ने स्क्वाड को मिचेल स्टार्क ज्वाइन किए हैं, मार्क्यू सप्लीमेंट्री प्लेयर लिस्ट ये सब कुछ अभी आने वाले, कुछ प्लेयर आने वाले हैं जैसे मेलबोर्न रेनेगेड्स के डीकॉक अभी T10 खेल रहे हैं तो T10 से फ्री होंगे तो ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर निक मैडिसन, जॉर्डन को और मेलबोर्न रेनेगेड्स के ज्वाइन किए हैं। रिसेंट अगर मैच देखने को मिलेगा, 2 मैच जो कि खेले हैं सिक्सर ने, रिसेंट मैच जो कि वो था 166 पे सिक्सर और ब्रिस्बेन हिट जो कि चेस हुआ है इस पिच पे ज़्यादातर स्कोर लगता नहीं, फर्स्ट बैट 187 तक 151 यहाँ पर डिफेंड हुआ है, 149 ये सब डिफेंड हुआ, 2 मैच देख सकते हो बिलो 150 डिफेंड हुए इस पिच पे, हालांकि 150 यहाँ पे चेस हुए। सिडनी सिक्सर ने मेलबोर्न स्टार के अगेंस्ट चेस किया था, वो बॉलिंग अटैक उनका मेलबोर्न स्टार का अच्छा नहीं था। पेसर ध्यान में रखना, पेसर यहाँ पे अच्छे विकेट लेते नजर आएंगे और पेस अटैक जिस बॉलिंग बॉलर्स का मतलब टीम का अच्छा होगा उनके यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा देगा, बॉलर पे पूरा मैच 150 बिलो भी डिफेंड हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना 140 के आसपास रन यहाँ पे आसान से चेस हो जाएगा। प्लेइंग 11 दोनों टीम को देखेंगे, सिक्सर की तरफ से विंस फिलिपी स्टीवन स्मिथ जॉर्डन कॉक जॉर्डन सिल्क मोइसेस हर्नांडेज डैनियल ह्यूज कोटी पैटरसन और सिनेबॉट टॉम करन स्टीवन ओकपी, ज़्यादातर चांसेस ओकपी खेलेंगे, बेन डेविस टॉड मर्फी और यहाँ पे मेलबोर्न रेनेगेड्स एरन फिंच निक मैडिसन जो क्लर्क फ्रासर मैक गुरक फ्रासर नाम है इनका मैक जेनवी हार्वे जोनाथन वेल्स विल सदरलैंड टॉम रोजर्स जॉर्डन कॉक एडम जंपा मुझे जंपा ज्वाइन किए हैं तो ध्यान में रखिएगा। अब फैंटेसी पिक लेते हो इससे पहले कुछ आपको टिप्स दे देता हूँ, देखो यहाँ पे 160 रन अगर लगेगा, 160 रन अगर फर्स्ट बैट करते हुए टीम बना रही है तो ध्यान में रखिएगा वहाँ पे फर्स्ट बैट के फेवर में मैच जाने वाला है, आपको रेट आसानी से मिलेगा। सेशन के लिए बात करें तो सेशन यहाँ पे काफ़ी स्लो विकेट है, फर्स्ट इनिंग में 6 ओवर में यस हो सकता है,
लेकिन उसके बाद मोस्टली सेशन यहाँ पे 7-8 का रन रेट मिलना काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी स्लो हो जाएगा, विकेट स्लो हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। जेम्स विंस, स्टीवन स्मिथ, सीन अवर्ट, जॉर्डन कॉक, जॉस फिलिपी जो कि स्क्वाड में रहेंगे, जो कि आप प्लेइंग 11 फैंटेसी टीम बनाते हो वो ड्रीम 11 का अलग टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ज्वाइन कर लीजिएगा। मेलबोर्न रेनेगेड्स, एलन फिंच, निक मैडिसन, जॉर्डन कॉक्स, एडम जंपर, मुजीब रहमान प्लेइंग 11 के लिए आप यहाँ पे रेनेगेड्स की तरफ से जा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी टीम रहेगी पिक के लिए, अपने टीम के लिए। स्पिनर विकेट ले तो पिच स्लो होगा तो स्पिनर विकेट लेंगे ही, ऐसा बातें हैं, लेकिन पेसर को थोड़ा पिच पे बेनिफिट मिलता है, बाउंस होता है, स्विंग करा सकते हैं, पेस वाली काफ़ी हार्ड पिच है तो ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, विक्रम जेठिया नाम से टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट कमेंट पे दे दूंगा, तो ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।